जोगापुर गेट राजुरा में विधायक सुभाष धोटे ने जोगापुर यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान यात्रा के लिए आने वाले भाविकों को यात्रा की शुभकामनाएं दी। जोगापुर यात्रा के लिए भाविकों के लिए एक महीना अनुमति देने संबंध में, साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष टालने के लिए और यात्रा दौरान कोई भी अनुचित घटना ना हो इसके लिए किए जाने वाले उपाय योजना के बारे में श्वेता बुड्डू उपवन संरक्षक मध्य चांदा वन विभाग चंद्रपुर इनके मार्गदर्शन में और विधायक सुभाष धोटे इनकी अध्यक्षता में वन निरीक्षण कुटी राजुरा में सभा का आयोजन किया गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश एल के वार्ड ने सभा में हाल की स्थिति में राजुरा वन परिक्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्य प्राणी होने की जानकारी देकर मानव वन्यजीव संघर्ष टालने के लिए और भाविकों के संरक्षण के लिए उपाय योजना सूचित की। उस मुताबिक उपस्थित सभी मान्यवर और अधिकारी कर्मचारियों ने चर्चा कर निर्णय लिया। इसमें विधायक सुभाष धोटे ने विविध विभागों के अधिकारियों को जोगापुर देवस्थान में आवश्यक सभी सुविधा और सुरक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य जीव प्राणियों का संचार ध्यान में लेते हुए भाविकों ने प्रशासकीय नियम का पालन कर जोगापुर देवस्थान का दर्शन ले ऐसा आह्वान किया। पहले दिन जोगापुर यात्रा के निमित्त जोगापुर गेट राजुरा में सुभाष धोटे विधायक विधानसभा क्षेत्र राजुरा ने जोगापुर यात्रा का शुभारंभ किया और जंगल परिसर में स्थित जागृत हनुमान मंदिर देवस्थान में पूजा और आरती की। इस यात्रा दौरान यात्रा के लिए आने वाले भाविकों को संबोधित कर विधायक सुभाष धोटे ने सभी को यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक सुभाष धोटे, कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष रंजन लांडे, पूर्व नगराध्यक्ष अरुण धोटे, पूर्व नगराध्यक्ष सुनील देशपांडे, प्रभारी उपविभागीय वन अधिकारी एस आर लंगड़े, तहसीलदार ओम प्रकाश गोंड, गट विकास अधिकारी हेमंत भिंगार देवे, मुख्याधिकारी डॉक्टर सूरज जाधव, धमेंद्र जोशी, सहायक पुलिस निरीक्षक राजुरा ए आर मड़ावी, पुलिस उप निरीक्षक विरूर स्टेशन शुभांगी लाड़से, वाहतुक निरीक्षक राजुरा बादल बेले, अध्यक्ष नेफड़ो पर्यावरण संस्था राजुरा इन आदि के साथ प्रतिष्ठित नागरिक और पत्रकार बांधव साथ ही सभी वन कर्मचारी उपस्थित थे।